हेलो नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक व्हिच इज राइट नाउ इन द फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज एंड मेनी ऑफ यू हैव एविडेंस टू नो अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड हेयर इन द फ्रीबी एंड द सोशल वेलफेयर स्कीम। फ्रीबी मीन्स उपहार एंड सोशल वेलफेयर स्कीम मीन्स सामाजिक कल्याण योजना। इस दोनों में क्या अंतर है? बिकॉज रिसेंटली नॉट टूडे द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्विंग दैट द फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम मीन्स फ्रीबीज और सोशल वेलफेयर स्कीम आर टू डिफरेंट थिंग दैट ऑब्जर्व बाई द सुप्रीम कोर्ट टू डिफरेंट थिंग ऑब्जर्व बाई सुप्रीम कोर्ट ऑन द 11 अगस्त 2022 मीन्स टूडे थर्सडे। बैलेंस हैज टू बी स्टक, इस दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को बोला इकोनॉमिक लूजिंग मनी एंड द वेलफेयर स्कीम। इन दोनों में क्या अंतर है? फ्रीबीज होना चाहिए या सोशल वेलफेयर स्कीम होना चाहिए? दोनों में कौन ज्यादा जरूरी है और किसको अवॉइड करना चाहिए? फ्रीबीज को जनरली इन द बहुत सारे जो इमिनेंट पर्सन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इरेशनल स्कीम इन्होंने कहा कि इरेशनली अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रीबीज। बट अगर सोशल वेलफेयर स्कीम मींस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मींस टू अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी अगर कोई स्कीम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर स्कीम। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बातें कही है कि इट इज पॉसिबिलिटी टू कंसीडरिंग प्ली फॉर द डी रिकॉग्नाइजिंग पार्टी दैट फॉर मेकिंग प्रोमिस टू द गिव फ्रीबीज। यानी जो पार्टी फ्रीबीज बांटते हैं, उपहार बांटते हैं, जो कि इरेशनल है, उन पार्टी को डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो हमारा यह मकसद है, वी ओनली एम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीबी एंड व्हाट इज द सोशल वेलफेयर स्कीम। बिकॉज क्वेश्चंस मे बी आस्क मे बी अपियर्ड ऑन पेपर दैट इज द राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ द फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम एंड ऑल्सो द पीटी टाइप क्वेश्चंस मे बी आस्क इन योर पेपर। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम। सबसे पहले कुछ स्कीम की चर्चा हम करेंगे जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे इंडिया में अभी चल रही है, उसके बाद कुछ फ्रीबीज के चर्चा करेंगे एंड इट्स अप टू यू थिंक अबाउट दिस टू स्कीम एंड फ्रीबीज एंड यह आप पे छोड़ता हूँ कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। सी हियर, इन द पेंडेमिक एरा मेनी ऑफ यू अवेयर एंड ऑल ऑफ यू अवेयर रिगार्डिंग द पूरे दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग फ्री फूड प्रोग्राम इंडिया में है, जो कब से शुरू हुआ है? अप्रैल 2020 से यह स्कीम लागू है। दिस स्कीम को कहा गया द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। यह बहुत बार एक्सटेंडेड किया गया, अभी तक सितंबर 2022 तक लोगों को फ्री में दिया जाएगा। या अब इसको अगर आप फ्री भी कहेंगे तो देखिए आगे देखते हैं कि इसको फ्री भी आप कहते हैं। यह इंश्योर करता है मोर देन 80 करोड़ इंडियन टू गेट राशन फॉर द 5 किलो ऑफ इधर राइस और वीट पर पर्सन पर मंथ कंप्लीटली फ्री। एक्चुअली यह एक्सटेंडेड फॉर्म है, दैट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में पास किया गया था। लेकिन इस एक्ट में क्या था कि यह 3/4 ऑफ द रूरल एंड हाफ ऑफ द अर्बन एरिया को राइस वीट एंड कोर्स दिया जाता था, मोटा अनाज 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किलो के हिसाब से, दैट इज एट द 3, 2 और 1 रुपीज ए किलो रेस्पेक्टिवली। बट दिस PMGKY कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। मोर देन 80 करोड़ इंडियन राइट नाउ आर गेटिंग दिस 5 kg इधर राइस और फीट पर पर्सन पर मंथ कंप्लीटली फ्री अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्लियर? अब यह कैसे हुआ देखते हैं। व्हाट वी कॉल्ड हेयर इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ दिस सेंचुरी एक राइट बेस्ड अप्रोच शुरू हुई थी, जैसे राइट टू फूड एलॉन्ग विद द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन,
एक न्यू पैराडाइम राइट बेस्ड अप्रोच स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ दिस सेंचुरी, और नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी कंट्री थी, जो भी डेमोक्रेटिक, प्रमुखता डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उन्होंने राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, इस पे उन्होंने एक सोशल वेलफेयर स्कीम शुरू किया। सोशल वेलफेयर कोई बुरी बात नहीं है, सोशल वेलफेयर स्कीम शुरू किया। इसी न्यू राइट बेस्ड अप्रोच के तहत कुछ लोगों ने इसको बोला कि इससे फिजिकल कॉस्ट पड़ते हैं, लेकिन देखिए कॉस्ट इज इनविटेबल। क्यों? बिकॉज इफ वी एज द सोसाइटी, अगर वी बिलीव एज ए सोसाइटी, बिकॉज वी आर ऑल द सोशल एनिमल्स, विदाउट सोसाइटी वी आर नथिंग। सो इफ वी एज ए सोसाइटी बिलीव दैट देर आर बेसिक राइट्स एंड मस्ट बी इनफोर्स वॉट एवर द कॉस्ट, अगर हम सोसाइटी हैं और सोसाइटी है जिसमें एक बेसिक राइट्स होना चाहिए, जो सबको भोजन मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको एजुकेशन मिले, अब उस पर अगर कॉस्ट लग रही है तो इनविटेबल है और मस्ट बी इन्फोर्स्ड। तो सोशल वेलफेयर स्कीम इज द गुड फॉर सोसाइटी, सोशल वेलफेयर स्कीम इज द गुड फॉर सोसाइटी बिकॉज इट्स फुलफिल द बेसिक राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग, या ह्यूमन बीइंग का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक जो अधिकार है, उसको फुलफिल करता। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो लास्ट डिकेट में नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड सो मेनी कंट्री, वह जो राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, उसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। क्या? राइट टू अफोर्डेबल हाउसिंग, जो इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा, राइट टू हेल्थ इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत यहां पे चल रहा, राइट टू बी हैव द स्वच्छ इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट जो स्वच्छ भारत चल रहा, जो हर जगह टॉयलेट बनाई दे जा रही। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच। अब राइट टू व्हाट, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू अफोर्डेबल हाउसिंग, राइट टू इंश्योरेंस, राइट टू व्हाट वी कॉल्ड हियर इन द स्वच्छ भारत, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी राइट बेस्ड अप्रोच है, जो ऑल्स आर द फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मींस बीइंग ह्यूमन, दैट दिस ऑल राइट ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द व्हाट एवर द गवर्नमेंट रूल्ड द सोसाइटी। जो भी गवर्नमेंट है, बीइंग ह्यूमन बीइंग, उनका एक कर्तव्य बनता है कि सारी राइट्स ह्यूमन को दिए जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं हो सकते। सो द राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू व्हाट वी कॉल्ड हाउसिंग, राइट टू इंश्योरेंस, राइट टू टॉयलेट्स, ऑल्स आर प्रोग्राम हैव एलिमेंट ऑफ सब्सिडीज, इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, लेकिन इसको आप फ्रीवीज नहीं बोल सकते। इवन बहुत सारे ऐसे यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू इंटरनेट, ऑल्स आर प्रोवाइडेड एंड ऑल्स आर कंसीडर एज द बेसिक राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बेसिक राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। बट यहां पे क्या है, फ्रीवीज जो क्या है वह इरेशनल है। जैसे अब कहीं इलेक्शन हो रहे हैं तो टेलीविजन बांट दिया, एक पार्टिकुलर ग्रुप को टेलीविजन दे दिया गया, एक पार्टिकुलर ग्रुप को कुछ दे दिया गया, एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए आप एक कैंटीन का व्यवस्था कर दीजिए जो फ्री फूड दिया जा रहा है, एक पार्टिकुलर ग्रुप को आप लैपटॉप दे दिए, है ना, लैपटॉप देने से पहले एजुकेशन दीजिए, लैपटॉप दे दिए। दिस इज कॉल्ड द वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट और जो भी एमिनेंट पर्सन है, इमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने बोला है कि यह जो इरेशनल जो स्कीम है, इरेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द पीपल, इस पे रोक लगनी चाहिए। बट वेलफेयर स्कीम इज द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसे तो आप प्रोवाइड कराएंगे, बीइंग ह्यूमन दैट इज ऑटोमेटिकली द एवरी गवर्नमेंट हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड द ईच एंड एवरी पर्सन दीज ऑल बेसिक राइट्स, दीज ऑल बेसिक राइट्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जो कि गरीबों एफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे 200 यूनिट 300 यूनिट, और उसके बाद उसको रेशनल वे में, दैट इज द रेशनल वेलफेयर। अब इरेशनल वे में कहते हैं कि पूरा पानी माफ हो जाएगा, पूरी तरह का इलेक्ट्रिसिटी माफ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिजिकल बर्डन आप जा रहे हैं, और जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसे को आप इस तरह लुटा रहे हैं, दैट इज इरेशनल, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी कॉल हेयर इन द फ्रीवी कल्चर एंड सोशल वेलफेयर स्कीम. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल दीज थिंग्स. एंड इफ से अगर क्वेश्चन आता है तो इफ यू हैव इनफ पॉइंट टू राइट द आंसर. क्लियर क्लियर. इवन पीटी का भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं. थैंक यू. सो ऑल दिस वीडियो इज द फिनिश. थैंक यू एंड हैव ए गुड.